नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता स्टेप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, जैसे अपने किसी को दे देते हैं तो उधारी वापस नहीं आती, या किसी से अपने कोई अपने से कुछ सामान खरीदते उसका पैसा नहीं देता, बहुत तरीके से लोगों के पास अपना पैसा फंस जाता है, तो और देने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। कई लोग उधार ले लेते हैं तो नहीं दे पाते हैं, कोई ब्याज पे रुपया लगा देते तो उनका भी रुपया नहीं निकल पाता है, कुछ लोग अटका देते हैं, नहीं देना चाहते हैं, या बिजनेस में भी कई बार रुपया अटक जाते हैं, वो नहीं आते हैं। तो यदि आपका रुपया कहीं फंसा हुआ है तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान टिप्स देने वाली हूँ। भगवान करे वो टिप्स आप लोगों को काम कर जाए। तो मैं तो चाहूंगी कि मेरी हर टिप्स लोगों के यूज में आए और वो काम कर जाए, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पान की दुकान में जाना है, वहां से जो कत्था होता है, पान में जो चूना कत्था ये सब लगाते हैं ना, तो उसमें से कत्था थोड़ा सा आपको लाना है, या तो पान की दुकान से ले। लेकिन जनरली पान की दुकान वाले लोग कत्था नहीं देना चाहते। यदि वो नहीं देते हैं तो जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है, तो एक अलग ही इन सब चीजों की दुकान होती है, जहाँ सुपारी टाइप की पूजा की जो भी सामग्री मिलती है उसकी एक अलग दुकान होती है, तो आप उस दुकान पे जाके बोलेंगे हमको कत्था चाहिए, तो वो एक डली जैसा दिखा, सुपारी की जैसे एक डली डली रहेगी कत्थे की चुने जैसे, तो उस डली को आपको लाके पानी में थोड़ी देर भिगो देना है। और यदि पान वाला दे देता है तो उसके पास ऑलरेडी वो गीला ही रहता है, घोला हुआ रहता है। तो यदि आप लाते हैं कत्था, तो कत्था को आप पानी में घोल के उसको पतला कर लीजिए, ताकि जिस तरह रोली टिक्के का घोल अपने तैयार करते हैं, रोली का टिक्का लगाते हैं, तो उतना ही पतला आपको करना है। और उसको आप इस उंगली से कत्थे को इस तरह डाल के उसके आपको सिर्फ जमीन के ऊपर में कहीं भी, चाहे भगवान के सामने हो, चाहे किचन में हो, या रूम के किसी भी जमीन पे, आपको सिर्फ ऐसे करके तीन लाइन उसकी बनानी है। सिर्फ आप ऐसे करके कत्था लेके कत्थे की तीन लाइन बनानी है, बना के उसको कपड़े से आपको पोंछ देना है और कुछ भी नहीं करना है। और ये कार्य आपको मंगलवार के दिन करना है, सुबह के टाइम पे कर ले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सातु संजय भी आप कर सकते हैं इसको। और ये क्रिया आपको कम से कम 7 हफ्ते तो करनी ही करनी है। यदि 7 हफ्ते में भी यदि आपका पैसा नहीं आता है, तो कम से कम 21 हफ्ते आप और करके देखिए, कि 21 हफ्ते में देखिएगा शायद आपका रुपया हो सकता है निकल आए। वैसे देखिए इस क्रिया में कोई नुकसान बोल के तो भगवान की दया से नहीं है, यदि काम कर गई तो आपका पैसा अटका हुआ जरूर आ सकता है। बस हर मंगलवार के मंगलवार आपको करना है, और बीच में एक बार भी छूटना नहीं चाहिए। यदि ये बीच में छूट गया तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना होगा। तो ये कत्थे की तीन लाइन समझ गए ना आप, जैसे कत्था लिया आपने, कत्थे को घोले हुए कत्थे को लेके आपको तीन लाइन ऐसे जमीन पे करनी, जैसे शिव जी के मस्तक पर तीन लाइन होती है ना, उसी तरह जमीन पे बस तीन लाइन करके उसको कपड़े से मिटा देना है। और यदि कुछ बोलना चाहता बोल सकते हो कि मेरा जितना भी लोगों के पास पैसा है वो वापिस आ जाए, इतना बोल के आप उसको मिटा दीजिए। और हर मंगलवार के मंगलवार इसको आप करिए, और 7 मंगलवार तो करिए। यदि 7 मंगलवार तक यदि आपका पैसा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसे 21 मंगलवार तक जोर से करिए। देखिए भगवान चाहेगा तो आपका पैसा जरूर वापस आएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि किसी का भी कोई कार्य सिद्ध होता है मेरी किसी भी टिप्स से, तो प्लीज कृपा करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी टिप्स आप लोगों को काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी टिप्स लोगों को फायदा कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी, और यदि टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, अलविदा।